वेरी गुड, इसलिए हमेशा लास्ट मोमेंट पे बुकिंग करते हैं। गाइस नमस्ते, कैसा फील हो रहा है तुम लोगों का, क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पे इंडियन गर्ल इन यूरोप। तो हम रोड ट्रिप पे थे और अब हम गोशाओ पहुंच गए हैं। तो मैंने म्यूनिक से साल्ज़बर्ग आपको पिछला एपिसोड दिखाया और उसके बाद अब हम गोशाओ हैं, जो कि बहुत सुंदर जगह है। मैं यहाँ पर कॉफ़ी पी रही हूँ और आपको पीछे दिख ही रहा होगा, बहुत ही ग्रीनरी है और आसपास बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है। और मैं आपको ये जगह दिखाना चाहती हूँ बिकॉज़ ये जगह बहुत सुंदर है और लोगों को नहीं पता इस जगह के बारे में। और यहाँ मैं हॉस्टल में रुकी हुई हूँ, तो हॉस्टल कैसे होते हैं यूरोप के वो भी मैं बताऊँगी, बिकॉज़ मोस्टली लोग जो बैचलर ट्रिप पे आते हैं वो हॉस्टल्स में रुकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और आपको ये बहुत सुंदर जगह दिखाऊँगी, यहाँ पर मुझे सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर देखने को मिले। तो अब आप मज़े लीजिए इस जगह के जैसे मैं ले रही हूँ मेरे साथ। फिर हमने की थोड़ी पेट पूजा, क्योंकि ये गांव है और इसमें सिर्फ हमें एक ही रेस्टोरेंट मिला जो हमारे हॉस्टल के सामने था, तो हमने खाया। और क्योंकि जर्मनी को पोटैटो लैंड बोलते हैं, तो ऑस्ट्रिया में भी मुझे पोटैटो का इम्पैक्ट दिखा। अब आप देखिए मेरे हॉस्टल रूम से व्यू, वाओ। आपको घर दिख रहा होगा, ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में इन्होंने रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हुए हैं, प्लस पहाड़ वैलीज दिख रही हैं आसपास पूरे चारों तरफ, और घोड़े गधे नदी, और मतलब ये जो टॉप व्यू से हर एक एलिमेंट नेचर का हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं वो दिख रहा है हमें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के हॉस्टल्स कैसे होते हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित हैं यहाँ पर। जो भी बैचलर्स होते हैं वो हॉस्टल्स में रुकते हैं और कभी कभी इस व्यू के साथ सो के उठते हैं, जो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। आप बताइए ये हॉस्टल जो है वो कैसा लगा आप? तो गाइस सुबह सुबह हम लोग फ्रेशन अप होके नीचे आए हैं और थोड़ा सैर कर रहे हैं, मतलब वॉकिंग कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑस्ट्रिया है वो पूरा वैलीज से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो कुछ सॉल्ट के बनाए हुए प्रोडक्ट्स मैं आपको आगे वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें बताऊँगी। प्लस आपको बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हुए दिख रहे होंगे और कार के ऊपर भी साइकिल दिख रही होगी, तो यहाँ पर लोग अपनी कार के ऊपर साइकिल लेके जाते हैं और फिर ऐसी जगह पर साइकिलिंग करते हैं। क्योंकि ये एक विलेज है, बहुत छोटी विलेज है, मुझे कुछ ही घर दिख रहे हैं, तो यहाँ नेचर जो है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और बिकॉज बहुत सुंदर है तो लोगों को इस तरीके के एनवायरनमेंट में समर्स में साइकिलिंग करने में अच्छा लगता है, जो कि एक यूरोप का कल्चर है। प्लस गाइस मुझे यहाँ काउज भी दिख रही हैं। बहुत सारे जो यूरोपियन लोग हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो मुझे सबसे पहले काउज बोलते हैं। आई डोंट नो वाई, पर मुझे यहाँ पर जो काउज हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं। अब आप लोग थोड़े से ये वाले पहाड़ के मज़े, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने शिव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा जो होटल था उसमें इंक्लूडेड था। तो हमेशा अगर आप किसी गांव में हॉस्टल या होटल ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट जो इसमें इंक्लूडेड है वो ही लेना, नहीं तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिए लोग इंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और हम लोग भी, और ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। मैंने आपको बोला था ना मुझे घोड़े गधे सब एक साथ दिख रहे हैं, देख लीजिए। फिर हमने करी थोड़ी बॉलीवुड की शूटिंग।
जैसे बहुत छोटी छोटी जगह से आए हैं, तो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मतलब मुझे बहुत वाव फील हो रहा है। तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? मुझे तो लग रहा है इट्स लाइक जैसे ये बचपन में या हमारे घरों में जो वॉल पेपर्स होते थे ना वो घरों को डेकोरेट करने के लिए, इट्स दैट व्यू इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आप एक बार व्यू ये देखो, लग रहा है लाइक किसी ने ड्राइंग करके रख दिया हो और उसको ऐसे फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना, इट्स लाइक सम वाओ काइंड ऑफ थिंग। इंद्रजीत तुम क्या सोच रहे हो यार इसके ऊपर? लाइक हम तो एमपी से, एमपी में तो हमें ऐसी कोई जगह ही नहीं है हमारे लिए। तो एज आई सेड बिफोर इट्स लाइक अ ड्रीम, ऐसा लग रहा है ड्रीम जी रहे हैं एकदम। पूरा पीछे मस्त वाओ फैक्टर है, माउंटेन है, ग्रीनरी है, कैनल है। तो गाइस इसी के वाओ फैक्टर के साथ वी विल क्लोजिंग फ्रॉम दिस, और फिर अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? ऑलस्टार। तो अब हम ऑलस्टार पर फिर से लाइव होंगे आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। बाय 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 बाय। तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।